नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवर नक्सल। दोस्तों, क्या आप ऐसे देश में रहना चाहोगे जहां पर आप थर्ड क्लास सिटीजन हो या फोर्थ क्लास सिटीजन हो, जहां पे फर्स्ट क्लास सिटीजन कोई राजा महाराजा और उसका बड़ा सा एक्सटेंडेड फैमिली है और सेकंड क्लास सिटीजन उनके लिए काम करने वाले लोग हैं, उनके कर्मचारी, और आपको थर्ड या फोर्थ क्लास सिटीजन माना जाता है। यानी कि दुकान में अगर लाइन में लगते हो और आप लाइन में खड़े हो और कोई और आ गया और वो राजा महाराजा का फैमिली वाला है तो वो आपसे पहले चला जाएगा। जहां पर अगर मॉल में एंट्री हो रही है और राजा महाराजा का फैमिली आ गया तो उसको पहले अंदर जाने दिया जाएगा, और उसके कर्मचारी आए तो उनको अंदर पहले जाने दिए जाएंगे और उनके बाद आपका नंबर आएगा। और अगर नंबर नहीं आता है तो सॉरी भाई साहब, आपको जाना पड़ेगा। ये टाइप का सिचुएशन, क्या आप ऐसे देश में रहना चाहोगे, ऐसी व्यवस्था में रहना चाहोगे, कानून व्यवस्था में, जहां पर अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हो और आपके सामने वाला जो है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है और आप सेकंड क्लास सिटीजन हो, तो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, उनको कहता है, सर आपने शिकायत बोल दिया है, आप जाइए सर, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, हम इनको संभाल लेंगे। और फिर पुलिस आपसे थर्ड डिग्री इंटरोगेशन कर लेता है। लेकिन आप अगर उनके सामने शिकायत देते हो तो कहते हैं सॉरी सर, हम कंप्लेंट नहीं ले सकते, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट ले ही नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है सर, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट लेना हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं। क्या आप ऐसी व्यवस्था में, ऐसी कानून व्यवस्था में, ऐसे देश में जीना चाहोगे? मैं गेस कर रहा हूं कि आपको इक्वालिटी पसंद है और आपके अंदर एक बेसिक चीज है कि हमें इक्वल सिटीजन्स होना चाहिए। कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबका हक है, आप और मैं कानून की नजरों में सेम है, ये हमारा एक बेसिक प्रेमाइस है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें लगता है कि हम किधर आ गए, किस देश में जी रहे हैं। अगर हम सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास सिटीजन्स हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम गुलाम हैं, करेक्ट? मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर मुझे सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास सिटीजन बना दिया गया तो मैं कहूंगा यार मैं गुलामी में जी रहा हूं, क्यों गुलामी में जीऊं? मैं ऐसे देश में जीना चाहता हूं जहां पे इक्वालिटी है हमारा सबका। ऐसा आज सिचुएशन है कि आप और मैं एज इंडिविजुअल्स, नॉर्मल आम आदमी, हम सेकंड क्लास या थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं, ये सच है। आज ऑलरेडी सिचुएशन आ चुका है और एक ही चीज है जो आपको इस चीज से को रियलाइज करने से रोक रहा है, वो ये है कि आप और मैं वोट कर सकते हैं, हम वोट डाल सकते हैं। और ऐसे माना जाता है कि हमारे वोट से बनता है सरकार और हमारे वोट से बनता है कोई प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वगैरह वगैरह वगैरह, हमारे वोट से बनता है पार्लियामेंट, मेजॉरिटी पार्टी वगैरह। हमारे पास ये एक आश्वासन है कि हमारे पास अल्टीमेट पावर है, और ये आश्वासन झूठा है। ये झूठा आश्वासन है क्योंकि आपके और मेरे वोट से सिर्फ ये एक इल्यूजन बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। आज के तारीख में जो भी आपकी व्यवस्था थी, डेमोक्रेसी थी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो भी था, वो था, वो धीरे 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 बदल गया है। आपके और मेरे पैरों के नीचे से जमीन हट गया है, जमीन निकाल दिया गया है। आप कभी कभी दरिया के किनारे में खड़े रहते हो तो एक बड़ा सा वेव आता है और आपने नोटिस किया होगा वो वेव आपके पैरों के नीचे से रेत खींच लेता है। आपको पता भी चलता है आपके पैरों के नीचे से ऐसे रेत के बालू निकल रहे हैं, सैंड आपके पैरों के नीचे से निकल रहे हैं और आप 2 फुट नीचे चले जाते हो। अगर आप खड़े रहते हो उसी जगह पे
तो रेत के बालू निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे, आप सिंक होते जाते हो, आपका हाइट कम होते जाता है, वेव ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाता है, आप जगह पे खड़े हो। इस तरह का सिचुएशन है, हमारे पैरों के नीचे से रेत के बालू खींचे जा रहे हैं। कौन खींच रहा है? क्या यह कॉन्स्पिरेसी है? क्या यह किसी ने बैठ के षड्यंत्र किया है? क्या जॉर्ज सोरोस ने बैठ के षड्यंत्र किया है, सब लोगों को बुलाया है? या कुछ लोग यहूदी इसके कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहते हैं, अरे ये लोगों ने सब, वो यहूदी लोग, द ज्यूज ओन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया पे काबू है, हर एक कंपनी पे काबू है यहूदी लोगों का, ये टाइप के सब कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैलाए जाते हैं। क्या ये सच है? मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक फिनोमिनन है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें एलिमेंट्स इसमें मिले हुए हैं। किसी को बैठ के कॉन्स्पिरेसी करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स मिले हुए हैं, बहुत सारी चीजें, लोग नहीं मिले हुए हैं, नॉट नेसेसरी लोग मिले हुए हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिले हुए हैं, बहुत सारे सिचुएशंस एक साथ आए हुए हैं, और वो सिचुएशंस को जोड़ देते हो तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपके और मेरे नीचे से बालू खींच के निकाला जा रहा है और हम नीचे 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 रेत में ढसते जा रहे हैं। हम मतलब आप और मैं और कोई भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग। आप कहोगे यार नेचुरल ह्यूमन बीइंग ही तो है, सब लोग नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, आप किस चीज की बात कर रहे हो? नहीं, नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ एंटिटीज हैं। एंटिटीज, एंटिटी क्या है? देर आर पर्संस। अरे पर्संस ये क्या है? ये कौन सी चीज तुम कह रहे हो? देर आर पीपल, देर आर पर्संस, ये क्या है? हर एक कंपनी को लीगल एंटिटी माना जाता है। तुम्हें जिन और भूत और प्रेतात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर एक कंपनी जो है वो एक एंटिटी है, एक कॉरपोरेट एंटिटी, एक लीगल पर्सन माना जाता है। और थियोरी में ऐसा है, थियोरी मतलब लीगल थियोरी, और ये लीगल थियोरी काफी कड़क है, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ये लीगल पर्सन को वही प्रोटेक्शन मिलता है जो आपको मिलता है, आप इक्वल हो। यानी आप अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड के साथ में डीलिंग करते हो, या किसी भी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी फर्म वगैरह, कोई भी फर्म, रजिस्टर्ड फर्म, किसी भी कंपनी के साथ में आप डीलिंग करते हो, वो एक लीगल एंटिटी है, आप दूसरे साइड के एक लीगल एंटिटी हो, तो आप वन टू वन इक्वल हो। और इसलिए अगर उसने आपके खिलाफ कोई गुनाह किया है तो आप जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा सकते हो अगेंस्ट दैट कंपनी। पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करेगी अगेंस्ट दैट कंपनी, ये थियोरी है। या फिर आपने कंपनी के अगेंस्ट गुनाह किया है तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे आपको, आपने कंपनी के अगेंस्ट गुनाह किया है। अब कंपनी, हाउ डज कंपनी गो टू पुलिस स्टेशन? कौन जाएगा कंपनी में से पुलिस स्टेशन में? तो वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को नियुक्त करते हैं कि तुम जाओगे कंपनी के तरफ से, कंपनी ने, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें ऑथराइजेशन लेटर दे दिया है कि तुम जाओगे पुलिस स्टेशन में हमारे तरफ से कंप्लेंट देने। तो किस तरह के कंप्लेंट्स? एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉई को निकाल दिया गया। आप कंपनी के लिए काम करते हो तो संभव है कि कंपनी का लैपटॉप आपके पास था, हो सकता है कि कंपनी के कुछ एसेट्स आपके हाथ में थे। अब जो भी वो एसेट्स थे, मोस्ट टिपिकली एक मैं लैपटॉप की बात करता हूं, मान के चलते हैं कि कंपनी का लैपटॉप आपके पास था, एचपी का लैपटॉप था, उसका कीमत लेटर से 50,000 था। आप 50,000 रुपीज की एसेट अपने पास रख रहे हो, वो जाएंगे पुलिस स्टेशन में और आपके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखाएंगे। कौन जाएगा? कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। ओके, कंपनी का डायरेक्टर जो उसका मेन पर्सन है, क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा, उसको जाने की कोई जरूरत नहीं है।
वो अपने ऑफिस में एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठे रहेगा या अपने घर में जाके एंजॉय करेगा। ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है? एक एम्प्लॉई, आपके जैसा एक एम्प्लॉई, बिल्कुल आपके जैसा एक ह्यूमन बीइंग जिसको सैलरी मिल रहा है ये काम करने के लिए अमंग अदर थिंग्स। वो जाएगा पुलिस कंप्लेंट लिखवाएगा कि हमारा ये लैपटॉप का थेफ्ट हो गया है। अब पुलिस अगर पूछताछ करती है तो आप भी तो कहोगे, आप कहोगे कि मेरा सैलरी कंपनी ने रोक लिया है, मेरा जो सैलरी है वो 1.5 लाख का है या 2 लाख का है, उनका जो लैपटॉप है वो 50,000 का है, वो भी ओरिजिनल वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू देखने जाओगे तो 25,000 का है या 20,000 या 15,000 का है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू बहुत कम है। मेरा जो सैलरी है उन्होंने 2 महीने का फुल एंड फाइनल नहीं किया है। अगर आप कहते हो, अगर आप कहने की गलती करते हो कि ये लैपटॉप मैं तब दूंगा जब मेरा फुल एंड फाइनल हो जाएगा, जब तक मेरा फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं आ रहा है कंपनी से, मेरा सेटलमेंट नहीं हो रहा है कंपनी से, मैं क्यों ये लैपटॉप दूं? अगर आप ये कहने की गलती कर देते हो, आपके अगेंस्ट चोरी का इल्जाम लग जाएगा। पुलिस स्टेशन हंसते हंसते आपका कंप्लेंट लिख देंगे, आपको बुलाएंगे, आपसे पूछेंगे, आपको लगेगा वो बड़े सिंपैथेटिक हैं, लेकिन वो पुलिस का वो थेफ्ट का केस लगा देंगे आपके अगेंस्ट, ऐसे ही जैसे कि आपने कंपनी से लिटरली चोरी किया था, एग्जैक्टली थेफ्ट का सेक्शन लगाएंगे, जैसे कि आप एक चोर की तरह गए और लैपटॉप लेके भाग गए। वो इसे डिस्प्यूट नहीं समझेंगे। और रही बात आपके सैलरी की, आप अगर कहते हो मेरी सैलरी उन्होंने नहीं दी है, उनके अगेंस्ट केस लगाओ, मेरे सैलरी को उन्होंने रोक रखा है, 2 महीने से नहीं दिया है या 6 महीने से नहीं दिया है, उनको उनके अगेंस्ट केस लगाओ, ये चोरी है, ये मेरे सैलरी की चोरी है, यहां है प्रूफ कि मैं उनके पास गया था, यहां है प्रूफ कि मैं 6 महीने से काम कर रहा हूं और मेरा सैलरी मुझे दिया नहीं गया है। आप अगर जाके बताते हो पुलिस स्टेशन में, सेम पुलिस को, सेम पुलिस स्टेशन में, सेम पुलिस ऑफिसर को जिसने लैपटॉप का चोरी का एफआईआर आपके ऊपर किया, क्या वो क्रॉस एफआईआर कंपनी के ऊपर करेगा आपके तरफ से कि इनका 2 लाख या 5 लाख रोक दिए गए हैं, कंपनी ने इनके सैलरी का चोरी किया है, क्या कोई भी पुलिस ऑफिसर इस चीज को दर्ज करेगा? मैं दावे से कहता हूं, मैं गारंटी से कहता हूं कि 99.9% ऑफ द केसेस में पुलिस स्टेशन कहेंगे हम केस दर्ज नहीं करेंगे। क्यों भाई? नो मैं सर, वो ऐसा है, वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है आपका और कंपनी का जो है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? सिविल कॉन्ट्रैक्ट मतलब उन्होंने आपको पेरोल पे रखा है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते थे, आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन किया था, आपने एक्सेप्ट किया था कि आप उनके लिए काम कर रहे हो और उसके बदले में वो पैसे दे रहे हैं, मतलब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था। अब उन्होंने आपको सैलरी नहीं दिया है तो एट बेस्ट इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल वायोलेशन, कॉन्ट्रैक्ट को का उल्लंघन किया, वो चोरी नहीं है। तो वो कहेंगे सॉरी सर, हम कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे, आप जाइए सिविल कोर्ट में। आपका जो लैपटॉप का यानी कंपनी की लैपटॉप की बात थी तो वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तब वो टर्म्स एंड कंडीशंस की बात नहीं आई। सेम टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होगा कि कंपनीज एसेट्स विल बी गिवन टू एम्प्लॉई एंड ब्ला 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 जो भी लिखा होगा, तब उन्होंने ये सब नहीं सोचा, तब उन्होंने केस दर्ज कर दिया एफआईआर और कॉमन चोरी, प्लेन एंड सिंपल फकिंग थेफ्ट के सेक्शंस लगा दिए आपके ऊपर सेम, लेकिन उल्टे तरफ नहीं लगाते हैं। ये आज का कानून व्यवस्था है। और आप अगर सिविल कोर्ट में जाओगे,
सिविल केस फाइल करते हो तो अब याद रखिए कंपनी को क्रिमिनल नहीं माना जाता है, इट इज अ सिविल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट डिस्प्यूट समझते हो, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, उनको गुनहगार नहीं माना जा रहा है। और वो सिविल डिस्प्यूट के अंदर सारी चीजें लेके आएंगे, सर वो आदमी ऑफिस अटेंड नहीं कर रहा था, वो इरेग्युलर था, उसने ये किया, उसने इनसबऑर्डिनेशन किया, दुनिया भर के फैक्ट्स लेके डाल देंगे उसके अंदर। हम सैलरी में से ये डिडक्शन करते हैं, हमारे ये पॉलिसीज है। अच्छा पॉलिसीज, और एक बात बताता हूं, पॉलिसीज, आप एक एम्प्लॉई अगर हो और कंपनी कंपनी एम्प्लॉयर है, क्लियर कट, ओके, क्योंकि बहुत सारे और कंसल्टेंट और ऐसे सब रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोल के भी वो लोग साइन करवा लेते हैं, कंसल्टेंट बोल के साइन करवा लेते हैं, एसोसिएट करके साइन करवा लेते हैं, पार्टनर, रिटेल पार्टनर वगैरह वगैरह, रिप्रेजेंटेटिव, ये सब कहते हैं और आपसे साइन करवा लेते हैं। आपको लगता है मैं एम्प्लॉई हूं, आप जाते हो एम्प्लॉई समझ के अपने आप को, ओके, और वो ऐसे ऐसी चीजें आपसे साइन करवा के ले लेते हैं। आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जरा देखिए, वो ये भी कह देंगे कि हम चाहें तो आपको कहीं पर डिप्यूट कर सकते हैं, यानी आप मुंबई में हो, हम आपको हैदराबाद भेज सकते हैं, हैदराबाद ऑफिस में काम करने के लिए भेज सकते हैं, आपकी फैमिली मुंबई में है। वो कहेंगे नहीं सर, डोंट वरी, आर यू आर एंगेज्ड बाय मुंबई ऑफिस। लेकिन ऐसे ऐसे पावर्स वो ले लेते हैं कि हम चाहे तो आपको डिप्यूट कर सकते हैं, हमको आपको आउटसोर्स कर डाल सकते हैं, ये सब कह डालते हैं अपने कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस में, बहुत कुछ कह डालते हैं जिसको जिसमें ऑलमोस्ट वो आपके पर्सनल लाइफ पे कंट्रोल ले लेते हैं कि भाई तुम हमारे गुलाम हो, ये टाइप की चीजें हैं। खैर वो सब छोड़िए, आप अगर उनके एम्प्लॉई हो, टू कीप मैटर सिंपल, तो आपका एक इक्वालिटी का रिश्ता है। एक्चुअली फॉर दैट मैटर आप अगर किसी भी तरह तरह के हो, जैसे कि कंसल्टेंट, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि एसोसिएट वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपके आपके और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिश्ता है कि आप उनके लिए इतना काम करोगे, ये काम करोगे, ये जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से काम करोगे और आपका ये पे स्केल रहेगा। इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर, सो कॉल्ड अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें वो उन्होंने आपको कंसल्टेंट बनाया, जिसके माध्यम से उन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्टर बनाया, जो भी बनाया, वो चीज जो है दैट फॉर्म्स द बॉडी ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड यूनिलैटरली नहीं किया जाता, बाद में चल के चलो हम अमेंड कर लेंगे, ये सब नहीं होता है। लेकिन जब आप एक कंपनी के एम्प्लॉई हो तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इतना लिबरली इंटरप्रेट कर सकते हैं, इतना लिबरली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो उसमें से क्या क्या निकल कर आएगा। यानी अपना स्कोप वास्ट रखते हैं। अब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, आप जब उनके कंपनी में प्रवेश करते हो ना, तो ऐसे सर झुका के प्रवेश करते हो, ऐसे सर नतमस्तक करके, साष्टांग दंडवत करके आप कंपनी में प्रवेश करते हो कि आपकी हर शर्त सर आंखों पर, समझते हो ना, ये पोजीशन, आपकी हर शर्त सर आंखों पर, आप जो भी कहते हो महाराज, आपकी हर कंडीशन मैं मानने को तैयार हूं ऑलरेडी। तो अगर आपके साथ आपको जो लेटर मिला, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आप पढ़ते हो, उसी के अंदर लिखा होगा एनी फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस दैट द कंपनी में चूज टू इम्पोज लेटर, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं होना चाहिए, आप वहां पे भी साइन कर देते हो यस, मतलब बाद में चल के वो टर्म्स एंड कंडीशंस बदल भी सकते हैं, किस तरह से, किसी भी तरह से, कोई लिमिट नहीं है। आप उससे बंधे हुए हो, वो हो गया आपका सिविल कॉन्ट्रैक्ट। अब उस सिविल कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए आपको जाना पड़ता है सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में कोई भी केस
5 साल 10 साल 20 साल चलेगा मिनिमम, समझ के चलो। आप तब तक वेट नहीं कर सकते हो, आप दूसरी नौकरी में लग जाओगे। इन द मीनवाइल वो आपके ऊपर FIR करके बैठ सकते हैं, उन्होंने ये किया, वो एक एसेट लेके चले गए, वो हमारा लैपटॉप लेके चले गए। अब सच्चा भी हो सकता है झूठा भी हो सकता है, इन्होंने हमारा सब हैंडओवर, फुल हैंडओवर नहीं दिया, रिटर्न नहीं दिया। उन्होंने उनके पास हमारे फाइल्स हैं, वो फाइल्स की कीमत एस्टिमेटेड 50,000 रुपए है फाइल्स। उन्होंने हमारे कंप्यूटर फाइल्स का थेफ्ट किया है, उन्होंने हमारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं। वो करने के लिए किसी भी चीज को लेके अंडर पुलिस स्टेशन FIR कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एक्ट को लेके वो आपके अगेंस्ट साइबर क्राइम में भी जा सकते हैं, साइबर पुलिस के पास भी जाके दे कैन रजिस्टर एन ऑफेंस अगेंस्ट यू। इट इज सुपर इजी फॉर देम एंड इम्पॉसिबल फॉर यू। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप घंटा उनका उखाड़ लोगे। और अगर किसी तरह से बाय सम मिरेकल आपने जबरदस्त खेल खेला और आपने उनके अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट दे दिया, वो पुलिस कंप्लेंट देके वो अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच गया, मामला मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच गया, देर इज अ पुलिस केस अगेंस्ट अ कंपनी, मान के चलते हैं, ऐसे होता है कभी कभी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अपियरेंस देने को कौन आएगा? क्या डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स आएंगे? क्या उनकी हाजिरी ली जाएगी? कभी नहीं। उनके वकील आएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, डायरेक्टर्स जो एक्चुअली कंपनी को एम्बॉडी करते हैं या उनके प्रमोटर्स जो एक्चुअली उसमें से फायदा ले रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं, वो कभी नहीं आएंगे। मतलब इस देश में कानून में देर इज नो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, देर इज नो इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एक तरफ कॉरपोरेट एंटिटी जो वोट नहीं करता है लेकिन उसके पास नोट है, उसके पास प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, उसके पास जबरदस्त प्रोटेक्शन है और जबरदस्त पावर है, और दूसरे तरफ आप हो, आप वोट देते हो, सिर्फ वोट देते हो, और आपका एक इल्यूजन है कि मैं इक्वल सिटीजन हूं, संविधान मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन ये एंटिटीज के अगेंस्ट आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये चाहे तो आपके अगेंस्ट एक FIR दर्ज कर सकते हैं, ये चाहे तो आपके अगेंस्ट 50 FIR दर्ज कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, आपको घसीट घसीट के हैरस कर सकते हैं अपने वकीलों के द्वारा, नोटिस पे नोटिस मार सकते हैं, परेशान करके रख सकते हैं, और कोर्ट सिस्टम और सरकार और सब लोग इसके मामले में चुप हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये आपकी हकीकत है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण दियोबंद नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।